विराम प्रत्ययाभ्यास पूर्व संस्कार शेषोन्यः विराम प्रत्ययाभ्यास पूर्व, विराम प्रत्यय का अभ्यास जिसकी पूर्व अवस्था है, और संस्कार शेषः जिसमें चित्त का स्वरूप संस्कार मात्र शेष रहता है, वह योग अन्य है। पर वैराग्य के बार बार अभ्यास करने से जब मानसिक क्रियाएं शांत होकर केवल संस्कार शेष रह जाते हैं, वह असंप्रज्ञात समाधि है। व्याख्या: इस संप्रज्ञात समाधि के सदने पर मन वश में हो जाता है तथा चित्त की वृत्तियां शांत हो जाती है, वह अब संसार के भोगों की ओर नहीं भागती, वह स्वभाव से ही इससे उपरत हो जाती है। इसी को विराम प्रत्यह कहा जाता है। जब इसका अभ्यास क्रम भी बंद हो जाता है तो चित्त की वृत्तियों का सर्वथा अभाव हो जाता है, केवल उस समय यह वृत्तियां संस्कार रूप में चित्त में विद्यमान रहती है। यह सूत्र सोलवा में बताया गया परम वैराग्य से स्थित स्वभाव वाली होती है। इस प्रकार की समाधि को असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं, जो इस स्थिति को उपलब्ध नहीं हुआ तथा संप्रज्ञात समाधि तक ही आकर रुक गए, वो इस अवस्था को शून्य की स्थिति कहते हैं। किंतु जो उपलब्ध हुए हैं वह इसी शून्य नहीं बल्कि अधिक स्पष्ट कहते हैं, इसमें केवल आत्मा सत्ता का भाव भान होता है। इसमें मन की क्रियाएं बंद हो जाती है, विचार ही बंद हो जाते हैं, अहम भी गिर जाता है तथा द्वेष भी नहीं रहता। इस असंप्रज्ञात समाधि में अभ्यास क्रम समाप्त हो जाता है, केवल बीज रूप में जो चित्त के संस्कार शेष रहते हैं उसका आत्मा में अपने कारण में लीन हो जाने से उस आत्मा का प्रकृति के साथ जो संयोग था उसका सर्वथा अभाव हो जाता है एवं आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त हो जाती है। सूत्र 3 में बताया गई स्थिति को जब आत्मा प्राप्त कर लेती है तो उसी को निर्भीत समाधि कहते हैं। यही कैवल्य अवस्था है। असंप्रज्ञात समाधि में चेतन मन की सारी क्रियाएं बंद हो जाती है, किंतु अचेतन मन में छिपे अनेक जन्मों के संस्कार विद्यमान रहते हैं, जिससे पूर्ण जन्म फिर होता है किंतु वह अंतिम होगा। इसको सभी समाधि कहते हैं। इस बीज को मिटाने के लिए फिर प्रयत्न करना पड़ेगा। इस बीज के मिटने से फिर पूर्ण जन्म की कोई संभावना नहीं रहती। सारा जीवन मृत्यु चक्र की समाप्त हो जाता है। यही निर्भीत समाधि है। इस प्रकार यह असंप्रज्ञात समाधि भी दो प्रकार की है, सबीज तथा निर्बीज। Can we finish the 19th one if everybody agrees? No, कल करेंगे। टाइम अभी 2 मिनट खाली रह गया है ना? No, we have time. अगर करना है मीनल जी, can we do it? Because कल के भी फिर we can continue with 19th. Okay, ललिता. Okay. तो 19 सूत्र भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लयानाम। विदेह प्रकृति लयानाम, विदेह और प्रकृति लय योगियों का उपर्युक्त योग भव प्रत्यय कहलाता है। विदेह और प्रकृति लय योगियों का उपर्युक्त भव प्रत्यय कहलाता है। व्याख्या: ऊपर असंप्रज्ञात समाधि के दो भेद बताए गए हैं, सबीज तथा निर्बीज। असंप्रज्ञात समाधि, सबीज समाधि में चेतन मन की सारी क्रियाएं तो बंद हो जाती है, किंतु अचेतन मन में छिपे पूर्व जन्मों के संस्कार बीज रूप में विद्यमान रहते हैं। इसलिए ऐसे योगी जो सबीज समाधि को भी उपलब्ध हो गए किंतु निर्बीज समाधि उपलब्ध होने से पूर्व ही जिनकी मृत्यु हो गई, उनको इन वृत्तियों का बीज शेष रह जाने से पुनः जन्म धारण करना पड़ता है, किंतु उनका यह जन्म अंतिम होता है। इसमें
इनको पूर्व जन्म की उपलब्धियां की स्मृति रहती है तथा इस जन्म में उन्हें कुछ नहीं करना पड़ता। आरंभ से उन्हें योग साधना की आवश्यकता नहीं होती, वह केवल साक्षी होकर दृष्टावत देखते हैं। वह जीवन में कुछ भी घटे सब सहन करते हुए चलते हैं तथा प्रतिक्रिया करते ही नहीं, साक्षी बनकर अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल मानकर भोग लेते हैं। वह नए संस्कार निर्मित नहीं करते। इस साक्षी की अग्नि क्या हो गई में साक्षी क्यों अग्नि में वे इस बीज को भस्म कर देते हैं जिसमें वो निर्बीज समाधि को उपलब्ध हो जाते हैं। पूर्व जन्म में सबीज समाधि को उपलब्ध ऐसे योगी को विदेह कहते हैं। वे प्रकृति मुझे लगा आप पढ़ रहे हैं। नहीं ललिता जी, मेरा थोड़ा मिस हो गया। हाँ हाँ मिस हो गया। हाँ कंटिन्यू आई सी। वे प्रकृति लय तक की स्थिति प्राप्त कर चुके होते हैं। केवल कैवल्य पद शेष रह जाता है जिससे वे इस जन्म में पूरा करते हैं। उनका यह कैवल्य उपाय जन्म नहीं होते होने से इसको भव प्रत्यय कहते हैं, क्योंकि इस समाधि के लिए केवल मनुष्य जन्म लेना ही पर्याप्त है, साधन नहीं करना पड़ता। इसलिए वह निर्विज समाधि भी दो प्रकार से सिद्ध होती है, भव प्रत्यय तथा उपाय प्रत्यय। जिन योगियों की भव प्रत्यय की स्थिति नहीं होती उन्हें उपाय से ही इसे सिद्ध करना पड़ता है। क्षमा चाहती हूँ, बीच में मेरा वो लैपटॉप थोड़ा इधर हो गया था, दैट जस्ट गॉट ओके। आज हम लोग सबीज और निर्बीज समाधि, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि यहाँ तक पहुंचे हैं, और कल हम लोग समाधि का आगे का रूप वहां पे जाएंगे प्रज्ञा में। तो आज हम लोग शांति मंत्र पढ़ के यहाँ पे ही समाप्त करते हैं पठन अपना। आंखें बंद करके 2 मिनट शांत, जो ग्रहण किया है सुन के उसका मनन। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। ओम शांति शांति शांति। नमो नमः। नमो नमः। थैंक यू ललिता सो मच फॉर लिसनिंग अस। थैंक यू ललिता सो मच। रचना जी थैंक यू वेरी मच। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस टुडे। ओह नो इट्स प्लीज प्लीज डोंट से दैट। Bye-bye. Thank you so much. Bye. Thank you. And I'll leave. Okay.